Shut up and sit down. पाँच तेईस गजानन माधव मुक्तिबोध। अक्सर आपने ध्यान दिया होगा कि लोग घर से बाहर किसी काम के लिए निकलते हैं और चौराहे पर पहुंचते ही कोई न कोई आता जाता मिल जाता है और घंटों बातों का सिलसिला छिड़ जाता है। हर प्रकार की खबरें, समस्याएं आदि इस चौराहे पर मिलती है। आइए इस पाठ में एक ऐसी ही कविता पढ़ते हैं। अब तक आप नई कविता धारा की कुछ कविताएं अवश्य पढ़ चुके हैं। इस पाठ में हम नई कविता के सशक्त कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की एक कविता मुझे कदम कदम पर पढ़ेंगे। यह कविता चांद का मुंह तेरा है नामक काव्य संग्रह में संकलित है। मुझे कदम कदम पर कविता में रचनाकार ने कविता की रचना प्रक्रिया को बताया है और विचारों के द्वंद्वों को चौराहा मानकर जगह जगह बिखरे विषयों में से उपयुक्त विषय के चुनाव को एक चुनौती बताया है। उद्देश्य, इस पाठ को पढ़ने के बाद आप असमंजस की स्थिति से उबरकर सही निर्णय लेने के महत्व को बता सकेंगे, चौराहा शब्द का प्रतीक रूप में विवेचन कर सकेंगे, साहित्य सृजन के लिए उपलब्ध विषयों की विविधता और उनके उपयुक्त चुनाव में रचनाकार की कठिनाई बता सकेंगे, कविता के भाव पक्ष पर टिप्पणी कर सकेंगे, कविता के भाषा सौंदर्य तथा शिल्प सौंदर्य पर टिप्पणी कर सकेंगे। 23.1 मूल पाठ। आइए एक बार इस कविता को पढ़ ले। शब्दार्थ, तजुर्बे, अनुभव, अकुलाहट, व्याकुलता, गहरे में उतरना, तह तक जाना, गंभीर प्रयास करना, आत्म अधीरा, व्याकुल मन, सुस्मित, मुस्कान, विमल, स्वच्छ, सदा नीरा, सदैव जल से भरी हुई नदी, महाकाव्य पीड़ा, ऐसी वेदना जिस पर एक महाकाव्य लिखा जा सके, हंस हंस कर हंसते हंसते, अश्रुपूर्ण आँखों में आंसू भरे होना, मत होना पागल होना, स्वायत्त जिस पर अपना अधिकार हो, अहंकार, गर्व, घमंड, आख्यान, कथा, सूरे व आयते, पवित्र कुरान की पंक्तियाँ, यहाँ आशय है आज के समय के व्यवहार को नियम के रूप में पेश करने की प्रवृत्ति, लाग डांट करना, प्रेम पूर्ण उलाहना देना, प्रतीक, प्रतिरूप, समता, तुलना, आधिक्य, अधिकता, मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं, बाहें फैलाए, एक पैर रखता हूँ कि सौ राहें फूटती, व मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं उनके तजुर्बे और अपने सपने, सब सच्चे लगते हैं, अजीब सी अकुलाहट दिल में उभरती है, मैं कुछ गहरे में उतरना चाहता हूँ, जाने क्या मिल जाए, मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है, हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है, मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है, पल भर में सब में से गुजरना चाहता हूँ, इस तरह खुद को ही दिए दिए फिरता हूँ, अजीब है जिंदगी, बेवकूफ बनने की खातिर ही सब तरफ अपने को लिए लिए फिरता हूँ, और यह देख देख बड़ा मजा आता है कि मैं ठगा जाता हूँ, हृदय में मेरे ही प्रसन्नचित एक मूर्ख बैठा है, हंस हंस कर अश्रुपूर्ण मत हुआ जाता है कि जगत स्वायत्त हुआ जाता है, कहानियां लेकर और मुझको कुछ देकर ये चौराहे फैलते, जहां जरा खड़े होकर बातें कुछ करता हूँ उपन्यास मिल जाते, दुख की कथाएं, तरह तरह की शिकायतें, अहंकार विश्लेषण, चारित्रिक आख्यान, जमाने के जानदार सूरे व आयते सुनने को मिलती है, कविताएं मुस्कुरा कर लाग डांट करती है, प्यार की बात करती है, मरने और जीने की जलती हुई सीढ़ियाँ श्रद्धाएं चढ़ाती है, घबराए प्रतीक और मुस्काते रूप चित्र लेकर मैं घर पर जब लौटता उपमाएं द्वार पर आते ही कहती है कि 100 बरस और तुम्हें जीना ही चाहिए, घर पर भी पग पग पर चौराहे मिलते हैं, बाहें फैलाए रोज मिलती है 100 राहें, शाखा प्रशाखाएं निकलती रहती है, नव नवीन रूप दृश्य वाले 100-100 विषय रोज रोज मिलते हैं, और मैं सोच रहा कि जीवन में आज के लेखक की कठिनाई यह नहीं कि कमी है विषयों की, वरन यह कि आधिक्य उनका ही उसको सताता है और वह ठीक चुनाव नहीं कर पाता है। 23.2 बोध प्रश्न। 1. अनेक राहें देखकर कवि क्या करना चाहता है? इसका उत्तर है, सभी राहों से होकर गुजरना चाहता है। 2. कविताएं मुस्कुराकर
प्यार भरी बातें किससे और क्यों करना चाहती है? इसका उत्तर है कवि से और मुखरित होने के लिए करना चाहती है। 3. प्रत्येक छाती में एक अधीर आत्मा का निवास है, ऐसा कवि क्यों मानता है? इसका उत्तर है जिससे बात कीजिए वही अनेक दुख भरी दास्तान सुनाने लगता है। 23.3 आइए समझे, मुझे कदम कदम पर कविता एक बार पुनः पढ़ लीजिए। संदर्भ: मुझे कदम कदम पर शीर्षक कविता चांद का मुंह टेढ़ा है नामक कविता संग्रह से ली गई है। इसके रचनाकार श्री गजानन माधव मुक्तिबोध है। प्रसंग: मुझे कदम कदम पर कविता का भाव समझने के लिए पहले आप कविता की अंतिम 7 पंक्तियां फिर से ध्यान पूर्वक पढ़ जाइए। और मैं सोच रहा कि जीवन में आज के लेखक की कठिनाई यह नहीं कि कमी है विषयों की, वरन यह कि आधिक्य उनका ही उसको सताता है और वह ठीक चुनाव नहीं कर पाता है। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि जीवन की वास्तविकता इतनी विस्तृत है कि लेखक या कवि को पग पग पर चौराहे 100-100 राहें और नवीन रूप दृश्य वाले 100-100 विषय रोज रोज मिलते हैं। ऐसी स्थिति में रचनाकार की कठिनाई यह नहीं है कि रचना करने के लिए विषयों की कोई कमी है, बल्कि विषय तो बहुत अधिक है, समस्या है सही और उपयुक्त विषय का चुनाव करने की। आज के समय में उपयुक्त विषय का चुनाव करना एक चुनौती भरा कार्य है। अब एक बार इस पूरी कविता को पढ़िए। आपने कविता पढ़ी ना? क्या आप बता सकते हैं कि इस कविता में चौराहे शब्द का क्या अर्थ है? जी हाँ, आप जानते हैं कि चौराहा वह स्थान है जहाँ से कई रास्ते निकलते हैं। ये चौराहे विचारों के क्षेत्र में भी होते हैं। जब आप किसी एक बात पर विचार करना प्रारंभ करते हैं तो चिंतन के फलस्वरूप आपको अनेकानेक विचार आने लगते हैं। यह एक प्रकार से विकल्पों की स्थिति है। उन विकल्पों में से उपयुक्त का चुनाव करना ही चुनौती है। इस प्रकार की स्थितियाँ अक्सर हमारे समक्ष आकर खड़ी हो जाती है। उदाहरण के लिए कभी आप सोचते होंगे मैं हिंदी का यही पाठ पढ़ लेता तो दूसरे क्षण आपको लगता होगा कि नहीं, मैं इस समय गणित के कुछ बचे हुए सवाल हल कर लेता तो अच्छा होता। यह समस्या भी चुनाव की समस्या है। आपके पास जितने अधिक रास्ते या विकल्प होते हैं उतनी ही उलझन बढ़ती जाती है। व्याख्या: आइए कविता के पहले आधे अंश को पुनः पढ़कर समझने का प्रयास करते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने जिन चौराहों के कदम कदम पर मिलने की बात कही है वे कवि को चयन की चुनौती के रूप में अक्सर सामने खड़े नजर आते हैं और वह अपनी चिंतन प्रक्रिया प्रारंभ कर देता है। विचारों का क्रम जरा सा आगे बढ़ता है तो उसे और 100 राहें निकलती नजर आती है। कवि उन सभी राहों पर चलना चाहता है, अर्थात उन सभी से गुजरना चाहता है, उन सभी के अनुभव प्राप्त करना चाहता है। कवि ने चौराहों को सकारात्मक दृष्टि से देखते हुए उन्हें विकल्प भी माना है। ये विकल्प नित्य प्रतिदिन व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यदि व्यक्ति एक विकल्प पर चिंतन आरंभ करता है तो अन्य अनगिनत विकल्प उसके समक्ष प्रकट होने लगते हैं। कवि को प्रत्येक व्यक्ति के अनुभव बहुत अच्छे लगते हैं और साथ ही उसे अपनी कल्पनाएं अपने सपने भी बहुत अच्छे लगते हैं। वह उन सभी अनुभवों को संजोकर रखना चाहता है। अधिक से अधिक अनुभव इकट्ठे करने के चक्कर में वह समाज के हर एक व्यक्ति से मिलता है। उसका मन सभी से मिलकर बात करने के लिए छटपटाता है। वह हर बात की तह में उतरकर बात की सच्चाई जान लेना चाहता है, यह सोचकर कि न जाने किस व्यक्ति के अनुभवों में विचित्रता विशिष्टता हो। वह उन सभी के पास जा जाकर उनके दुख सुख बांट लेना चाहता है। आगे कवि कहता है कि उसे इस बात का भी भ्रम होता है कि सड़क पर पड़ा हुआ साधारण सा दिखने वाला पत्थर भी कहीं हीरा तो नहीं, अर्थात सड़क पर आता जाता साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति कहीं महत्वपूर्ण और विशेष तो नहीं। यहाँ कवि को लगता है कि समाज का हर व्यक्ति चमकता हुआ हीरा है। ठीक उसी प्रकार जीवन जगत में छोटा सा महसूस होने वाला महत्वहीन अनुभव कभी कभी समय आने पर विशिष्ट हो जाता है और किसी महत्वपूर्ण घटना को जन्म दे देता है। कवि को लगता है कि प्रत्येक प्राणी के वक्षस्थल में एक अधीर आत्मा विद्यमान है जो कुछ न कुछ कर गुजरने को लालायित है। कवि को हर मुस्कुराते चेहरे से प्रेम की निर्मल धारा फूटती नजर आती है।
उसे यह भी भ्रम होता है कि हर व्यक्ति के अंतर्मन में बहुत से पीड़ादायक और साथ ही खुशी के अनुभव विद्यमान है। यदि वह उन्हें लिखने बैठे तो रामायण या महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना हो सकती है। यह सभी सोच विचार कर रचनाकार जल्दी जल्दी उन सभी के अनुभवों को बटोर लेना चाहता है, सभी से सहानुभूति पूर्वक बातचीत करता है, उनके दुख दर्द बांटता है, उनमें रुचि लेता है, अपना समय लगाता है, अपनी शक्ति लगाता है और इस तरह स्वयं को दिए दिए फिरता है। परंतु कवि कहता है कि जिंदगी के खेल ही निराले हैं। समाज का हर व्यक्ति मुझ जैसे व्यक्ति को जो दूसरों के दुखों को अपना मानकर जीते हैं बेवकूफ करार देता है। कवि को लगता है सभी लोग उसे बेवकूफ समझकर ठगते हैं, पर उसे अपने ठगे जाने में कोई परेशानी नहीं होती और वह उसमें अत्यधिक खुशी का अनुभव करता है और अपूर्व आनंद की प्राप्ति कर पागल सा हो जाता है। वह सोचता है कि मेरे अंदर एक प्रसन्नचित्त मूर्ख बैठा है जो दूसरों से ठगे जाने पर भी खुश होता है। यह अनुभव उसे और भी अजीब और अटपटा लगता है कि समाज अपने आप में सिमटता जा रहा है। उसे रचनाकार की समस्या से कुछ भी लेना देना नहीं है। टिप्पणी: एक, कविता प्रतीकात्मक भाषा में है। दो, रचनाकार के सामने लेखन के लिए विषय बहुत है, वह प्रत्येक का अनुभव लेना चाहता है और विषय चयन एक जटिल समस्या बन जाता है। तीन, देख देख बड़ा मजा आता है कि मैं ठगा जाता हूँ। उपर्युक्त कथन की तुलना कबीर के निम्नलिखित दोहे से की जा सकती है: कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोए, आप ठगे सुख होत है और ठगे दुख होए। चार, अपनी बात पर बल देने के लिए कहीं कहीं शब्दों को बार बार प्रयोग किया गया है। इस तरह खुद को ही दिए दिए फिरता हूँ, अजीब है जिंदगी, बेवकूफ बनने की खातिर ही सब तरफ अपने को लिए लिए फिरता हूँ और यह देख देख बड़ा मजा आता है कि मैं ठगा जाता हूँ। पांच, चौराहे पत्थर चमकता हीरा आदि प्रतीकों का सहारा लेकर मुक्तिबोध ने कविता को नया संस्कार दिया है। यहाँ चौराहा विकल्पों का पत्थर, आम मनुष्य और चमकता हीरा विशिष्ट अनुभव, घटना अथवा व्यक्तित्व का प्रतीक है।